एनी डाउट टू एनी वन? इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, रेजोनेंस हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसकी, ब्यूट 1,3-डाईन की। सो व्हाट इज रेजोनेंस एक्चुअली? What is resonance actually? Arrangement, electrons. Okay. और और क्या है resonance में? Atoms की arrangement नहीं है, electrons की ही arrangement है, and this effect it occurs in case of a conjugated system. Conjugated system क्या होता है? जिसमें alternate double and single bond, triple या double bonds है, ठीक है? Single double single bond, ऐसे इन systems में जो resonance है ये होती है, ऐसे ही है ना, benzene में देखो alternate है, double single double single double single, ठीक है? तो ये conjugation होने जो है वो क्या है, important है, रेजोनेंस उनमें होती है। अब जैसे आप ब्यूट 1,3-डाइन का स्ट्रक्चर कह रहे हो, ठीक है, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 1,3-डाइन, ये वन पोजीशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाइन। अब इसमें क्या होगा, यू कैन सी देयर आर ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल, ठीक है, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर भी। अब सपोज ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ओके, एंड ये वाला जो है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये वाला कार्बन कह रहा है कि जो मेरा इसके साथ बॉन्ड है मैं वो ब्रेक करके तुम्हें जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल बी गेटिंग अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड इनके बीच में बन गया, ओके, हियर दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिवली चार्ज एंड हियर दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि इनका दोनों का बॉन्ड टूट गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इन द सेम वे और क्या हो सकता था, ये एरोस हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर ये ले ले, क्योंकि दोनों सेम है, रेजोनेंस में चीजें सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो अगर ऐसे मूव करेंगे देन यू विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर क्या बनेगा अब, सो हियर यू विल बी गेटिंग CH2 एज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड हेयर CH2 के ऊपर पॉजिटिव, ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट 1,3-डाई। क्लियर? तो हमने रेजोनेंस में क्या पढ़ा, दैट वी गेट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो सेम होगी सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के, ठीक है, जो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा द स्टेबल वन दैट विल बी हैविंग द मोर एनर्जी, ओके, एंड सेकेंडली इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी सिस्टम में, यानी कि जितने ज्यादा ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगे उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास आएंगे, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में ज्यादा हैं तो उतनी ही ज्यादा क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है रेजोनेंस की, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कार्बोनियन, अब वो इसमें स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टेबल माने जाते हैं। सी, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को शिफ्ट कर दूं, दिस कार्बन इट विल बी कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन इट विल बी कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर ये बॉन्ड में इधर की बजाय इधर को शिफ्ट कर दूं तो दिस कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब ये नहीं है कि जितने मर्जी आप अपनी मर्जी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाई जाओ और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स स्टेबल होंगे, दैट इज नॉट द थिंग,
स्टेबल वही होंगे जो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजर आएंगे. अब मुझे ये बताओ इस इन दोनों में से दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल आउट ऑफ सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर, विच इज मोर स्टेबल? कल बताया था मैंने एक पॉइंट, वाई सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. थर्ड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल नॉट बी बेयर्ड बाय द ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल हैं. ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है. ओके, सो दीज बोथ स्ट्रक्चर्स दे मार्क द स्टेबिलिटी, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं है. ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आपने ये याद रखना है कि हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, बट उसमें से फिर से हमने क्या देखना है, द स्टेबल स्ट्रक्चर्स, विच आर द स्टेबल स्ट्रक्चर्स. ओके, सो आउट ऑफ दीज टू, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द स्टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. सो राइट डाउन रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट. रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट राइट डाउन. यहां पर भी आपके पास दो तरह का इफेक्ट चलता है. प्लस आर और प्लस एम, माइनस आर एंड माइनस. सो राइट डाउन फर्स्टली प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट लिखिए. A group is said to have plus R or plus M effect. A group is said to have plus R or plus M effect when the displacement of the electrons, when the displacement of electrons is away from him, when the displacement of the electrons is away from it. लिख लो. When the displacement of the electrons is away from it. So see in this case, अब हमने एक ग्रुप को लेना है सबसे पहले कि वो ग्रुप जो है वो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कब शो करता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. अवे बोला ना, when the displacement of electrons is away from. तो यहां पर देखिए क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर अमोनिया है. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, इससे दूर गया ना, इसकी तरफ तो नहीं आए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इससे दूर गए ना, ये वाला यहां पर शिफ्ट हो गया. सो व्हाट यू विल गेट, सी एच टू नेगेटिव, सी एच डबल बॉन्ड सी ए, एंड हेयर देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो इसीलिए ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर. ठीक है, व्हेनेवर देयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम दैट ग्रुप देन इट शोज विच इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट. सिमिलरली सेकेंड का बनाओ, NH2 का शो करो. सिमिलरली शो फॉर NH2. कहां पर CH3? मैंने कल भी बताया था ये उसको कोई एक्स्ट्रा हम H थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो चार्ज है, बॉन्ड है, बॉन्ड का चार्ज यहाँ पे मूव हो रहा है. CH3 कहां से आ जाएगा, हाइड्रोजन तो ऐड नहीं किया हमने. चलो बेटा NH2 के लिए बनाओ स्ट्रक्चर. बना लिया, आज बेटा ड्रॉ करो स्ट्रक्चर. यहां पर बना लो.
पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस चले सिट डाउन ठीक है बेटा। तो यानी कि प्लस आर इफेक्ट कौन कौन से शो करेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ जाएंगे फिर, जैसे मैंने अमीन लिखा है, क्लोरीन लिखा है, और कौन कौन से हो सकते हैं, एल्कोहल ग्रुप हो सकता है कि नहीं ठीक है, एस्टर्स हो सकते हैं ethers, not esters, ethers हो सकते हैं ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज माइनस आर और माइनस आई एम इफेक्ट। अब इसमें लिखो अ ग्रुप इज सेड टू हैव माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, when the displacement of electron pair is towards it। अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, टेल मी डैट। हैलोजन्स नहीं, हैलोजन्स तो हमने प्लस एम इफेक्ट में पढ़े हैं, हैलोजन्स की इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी को अपने तरफ खींचे। मोस्ट स्टेबल जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स सबसे पहले कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो? एसिड्स, एसिड्स को देते हैं ना हम प्रायोरिटी, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इनका जो कार्बोनियल ग्रुप है डेट इज वेरी वेरी स्टेबल, बहुत जल्दी अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। ओके, एसिड्स का कार्बोनियल ग्रुप हो गया ये सी डबल बॉन्ड ओ फ्रॉम द एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ फ्रॉम द एल्डिहाइड्स एंड सी डबल बॉन्ड ओ फ्रॉम द कीटोन्स। नाइट्रो ग्रुप इज ऑल्सो वेरी स्टेबल, साइनाइड ग्रुप इज ऑल्सो वेरी स्टेबल। ये सारे किसमें इन्वॉल्व होंगे? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जो आप स्टार्टिंग वाले प्रेफरेंस में लिखते हो ना फंक्शनल ग्रुप, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द माइनस आर इफेक्ट। अब माइनस आर इफेक्ट में मैंने क्या बताया है आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो उनकी तरफ होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स देम। अब ये कह रहा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ फिर, क्योंकि ये कार्बोनियल ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? अब ये कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, देन व्हाट विल हैपन, ये जो डबल बॉन्ड है दैट विल बी शिफ्टेड हियर, ठीक है, टू कंपेंसेट दैट चार्ज, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, सो व्हाट वी विल गेट, CH2CH डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव ओ सी एच थ्री। अब इन सब में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया, कौन से सी एच के, सी एच पे आएगा, सी एच टू, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मैं हर बारी ये एरोज लगा रही हूं, ये एरोज का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, डैट मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर इक्विवेलेंट। जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे ये आप इसमें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाओ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो एरोज हैं वो रिवर्स किए हैं आप इस स्ट्रक्चर में दोबारा चले जाओगे, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दीज एरोज, रिवर्सिबल एरोज हैं ये, ठीक है। राइट डाउन वन मोर स्ट्रक्चर फॉर इसमें शो करो रेजोनेंस। शो द रेजोनेंस इन द स्ट्रक्चर।
हाँ जी डन। डन मास कहाँ है? बनाओ आके बेटा। हाँ जी ठीक है। एरोस भी तो दिखाओ, एरोस के बिना ऑर्गेनिक नहीं है। बीच वाला भी दिखाओ और ऊपर भी दिखाओ मॉलिक्यूल के, कैसे कैसे शिफ्टिंग की है आपने। ये वाला उधर शिफ्ट हुआ और ये वाला इधर शिफ्ट। वेरी गुड। ठीक है जी, ओके। चलिए अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट में दो इफेक्ट्स हैं, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी। जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, और जो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं। माइनस आई वाले में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? नाइट्रो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो ग्रुप्स हो गए, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स जब लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वॉट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो किस में ऑपरेट होता है? मल्टीपल बॉन्ड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट ओनली ऑपरेट्स इन द मल्टीपल बॉन्ड्स। कोई बात नहीं। सो इन दिस कंटेक्स्ट वी आर हैविंग प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में कौन से आपके ग्रुप्स आ जाते हैं? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उसी के साथ अटैच होता है, जैसे मैंने कल हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की एग्जांपल करवाई थी, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जिस तरफ जो आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है उससे ऑपोजिट साइड पे जो है वो क्या ग्रुप अटैच होता है? आपके लोन पेयर जो है वो जाते हैं, ठीक है। दैट इज माइनस ई इफेक्ट। अब उसके बाद हमने ये पढ़ा है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट शो की है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास आए हैं जिसमें हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को क्या कहा है? दे आर द स्टेबल वन, ठीक है। हम जितने मर्जी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। स्टेबल स्ट्रक्चर्स हमने सेलेक्ट करने हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है दे आर इक्विवेलेंट, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स दे आर हैविंग द सेम एनर्जी, एंड दैट ऑल्सो ऑपरेट्स इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम वेयर वी आर हैविंग ऑल्टरनेट नेगेटिव, सॉरी ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट राइट डाउन हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाउ दिस इफेक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और राइट डाउन बेकर नाथन इफेक्ट। दिस इज ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था, बेकर नाथन इफेक्ट। तो पेपर में किसी भी नेम से पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तीनों इसी के ही नेम है। नाउ दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू द इंडक्टिव इफेक्ट, जो आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आए हो। बट इंडक्टिव इफेक्ट में आप सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स लेते हो सारे, इसमें आपने प्लस आई इफेक्ट स्टडी करना है या माइनस आई इफेक्ट स्टडी करना है बेस्ड ऑन और इट्स कॉम्बिनेशन विद द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में अकेला हम सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स पे काम करते थे, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स जब आ जाते हैं, when we are having multiple bonds, double bond or triple bond, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे ऑपरेट होता है, okay? This we will study in case of hyper conjugation effect. Is it clear? Is it clear? Inductive effect में आप single bonded structures पे काम करते थे, but अब inductive effect की study करेंगे हम when we are having double or triple bonds.
ओके, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ प्रोपीन. हाँ जी, यही स्ट्रक्चर है बेटा प्रोपीन का. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन. अब इसमें क्या होता है, सी आई कैन स्प्लिट दीज इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. खोल के लिख सकते हो इनको. अब इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है. रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं दे आर गेटिंग शिफ्टेड. कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर देंगे हम, यही होगा ना डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच है. अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया अब इसके पास, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव. इसको कंपेंसेट कौन करेगा, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कंपेंसेट करेगा. अब ये कार्बन कहता मैं नहीं कंपेंसेट करूंगा तुम्हारे साथ, जो मेरे हाइड्रोजन्स हैं, ओके, द हाइड्रोजन्स दैट आर एक्चुअली अटैच्ड टू द सिस्टम दे विल बी कंपेंसेटिंग फॉर दैट इफेक्ट. समझ आई बात, समझ आई. तो यहां पर क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन तो है वहीं पर है, बस बॉन्ड शिफ्ट किया है हमने. इसी तरह इस कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट है, ये तीनों हाइड्रोजन्स सेम है. ये भी हाइड्रोजन दे सकता है, ये भी हाइड्रोजन दे सकता है. राइट डाउन नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. इसके बाद बाकी दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स भी लिखिए. राइट डाउन, हाँ यहाँ पर नहीं, सॉरी वो शिफ्ट हो गया ना. ओके, लिखिए बेटा नेक्स्ट टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखिए. किसके ऊपर, हाँ जी ठीक है बेटा. राइट डाउन द नेक्स्ट टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. जैसे आपने एक हाइड्रोजन लिखा है वैसे उधर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाले हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर्स लिखिए. बाकी सारा कुछ सेम चलेगा, आपने बस एक बारी ये बॉन्ड हटा देना, एक बारी ये बॉन्ड हटा देना. CH3 के साथ नहीं हो सकता वो, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, डबल बॉन्ड एडजेसेंट टू दिस विल शिफ्ट होंगे. ठीक है, हाँ जी हो गया. कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं आपके कंट्रीब्यूटिंग, एक दो तीन चार बने होंगे, फोर स्ट्रक्चर्स, 1, 2, 3 और 4, फोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए हैं. ये इसके साथ था. सपोज इफ आई रिप्लेस दिस ग्रुप, अगर मैं इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देती हूँ तो और कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्यों वन क्यों बनेगा, एक सिंपल मिथाइल है, मिथाइल के बाद एक इथाइल ग्रुप कर दिया मैंने, तो इथाइल ग्रुप में और कितने स्ट्रक्चर्स ऐड हो गए, ये CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH2. ठीक है, तो ये कम हो गए, अब दो हो गए हैं. ठीक है, इसके बाद अगर मैं शिफ्ट करती हूँ ऐसे ही, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, पहले तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, अब यहाँ पर आपके पास पहले कितने बने हैं, 1, 2, 3, 4 बने हैं, अब 3 रह जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, देयर विल बी 3 स्ट्रक्चर्स लेफ्ट. अब जितने ज्यादा ये मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ही ज्यादा जो है वो कॉन्जुगेशन होगी, उतने ही ज्यादा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे. ओके, जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप्स कम होते जाएंगे जो अटैच हैं उसके साथ, वैसे वैसे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कम होते जाएंगे. और अभी मैंने आपको एक चीज बताई है, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, वो ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट.
सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो इस कंटेक्स्ट में अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं इन ग्रुप्स की, तो आप क्या बताओगे? इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन से ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है. फिर इसके बाद ये, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन्स रह गए हैं. इसमें कितने हाइड्रोजन्स रह गए? इसमें नो हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर्स जो हैं स्टेबिलिटी ऐसे फॉलो करेंगे. समझ आई बात कि नहीं? हमारे पास हाइड्रोजन्स होने जरूरी हैं ज्यादा. अब ये सिस्टम है, अब अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है तो इस वाले दोनों कार्बन के बीच में कितने हाइड्रोजन्स रह गए हैं अब शेयरिंग के लिए? दो रह गए हैं, दो रह गए हैं ना अब. ठीक है, यहाँ पर कितने रह जाएंगे? एक हाइड्रोजन रह गया, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस शो ही नहीं करेगा. इसीलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो ये है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी. ठीक है, डायरेक्टली जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उतने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, और जितने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होते जाएंगे, और स्टेबिलिटी भी जो है वो कम होती जाएगी. नेक्स्ट, राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट. सिग्निफिकेंस ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट. अब आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आपने मुझे ये बताना है कि इनकी क्या क्या स्टेबिलिटीज हैं. Find out the most stable structure here. Find out the most stable structure. First wala kyun? Ye double bonded structure hai. Agar ye double bond idhar shift ho gaya तो बिल्कुल इसके साथ वाले कार्बन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं? ये भी तीन है, यहां पर भी तीन है. ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स छह हो जाएंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन्स के कारण. यहां पर थ्री है. ठीक है, सिक्स कैसे हो जाएंगे? हाँ, सिर्फ थ्री है ना ये, तो तीन हाइड्रोजन आप शिफ्ट कर सकते हैं इसके साथ. हाँ, अगर आप ये भी इंक्लूड करते हो. ठीक है, बट आपने इस एक तरफ जो है वो बॉन्ड ट्रांसफर करना है और एक तरफ स्ट्रक्चर्स लेने हैं. अगर आपने इस तरफ बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया फिर ये वाले स्ट्रक्चर्स हम काउंट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर सिक्स हो जाएंगे, तीन तीन छह. ठीक है, यहाँ पर तीन आ जाएंगे एंड हेयर नो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है जी, तो इसमें से स्टेबल कौन सा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, देन दिस इज मोर स्टेबल, देन दिस इज मोर स्टेबल एंड देन. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर. ऑर्थो पैरा, इन दोनों में से आपने एक तरफ डिसाइड कर लेना है जिस तरफ भी शिफ्टिंग करनी है. अगर मैं इस तरफ शिफ्टिंग कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, देन आई विल बी काउंटिंग दिस साइड. तो पहले मेरे पास तीन तीन छह हो गए, फिर ये मेरे तीन रह जाएंगे यहाँ पे. फिर हम दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि अब यहाँ पर नहीं है, तो ये वाले कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, फिर ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा और लास्ट में कोई कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं. नेक्स्ट, राइट डाउन ऑर्थो पैरा. नेक्स्ट, राइट डाउन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, अब इसका मतलब समझो पहले. व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर? उस दिन मैंने आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस बताई,
बताई थी। हाँ जी, बेंजीन रिंग में मैंने आपको ऑर्थोमेटा एंड पैरा पोजीशंस बताई थी, कौन कौन सी होती हैं? इफ आई ड्रॉ दिस बेंजीन रिंग, विच इज द ऑर्थो पोजीशन? ये वाली ऑर्थो है, दिस इज मेटा एंड दिस इज, ये कल करेंगे, कल आपके इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। We'll be starting with the attacking reagents.